महासचिव वैभव गहलोत ने जोधपुर के सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से निकाय चुनाव के लिए अभी से जुटने का आह्वान किया और नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड बनने का दावा भी किया। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र सिंह राठौड़, मंत्री लालचंद कटारिया भी मौजूद रहे। वहीं बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल को उस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सीख याद आ गई जब संबोधन के दौरान अजान की आवाज आई। बेनीवाल ने संबोधन रोका और अजान खत्म होने के बाद ही अपना भाषण शुरू किया। आप सभी लोगों ने तन मन धन के साथ मेरे लोकसभा चुनाव में जो अपना परिश्रम के साथ काम किया, आप लोगों ने जी जान लगाई। ये बात अलग है कि हम लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सके, मगर आप लोगों ने जो अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखा, आप लोगों ने जो अपना समय दिया, उसके लिए मैं आज विशेष तौर पर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और आगे भी मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे जहाँ जहाँ मौका मिलेगा मैं जोधपुर के लिए खड़ा रहूँगा, आपके लिए खड़ा रहूँगा, आपकी समस्याओं के लिए खड़ा रहूँगा। आप सबको धन्यवाद देने के लिए बुलाई है और धन्यवाद इसलिए कि ऐसी प्रचंड जो आंधी चली, हालांकि आंधी वो झूठ की, फरेब की, बहकावे की, छलावे की, सांप्रदायिकता की, बंटवारे की, घृणा की, नफरत की चली, बावजूद उसके आपने वैभव गहलोत जी को बहुत बड़ी तादाद में वोट किया, आपने उनका हौसला अफजाई किया। इसमें आप सबको धन्यवाद देने के लिए वैभव गहलोत जी ने बैठी रखी है। वैभव जी लगातार आपके बीच में रहेंगे, आपकी समस्याएं सुनेंगे, विकास में भागीदारी निभाएंगे और कांग्रेस के जो वादे हमने किए, जो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है उसके अनुसार पूरे प्रदेश में और जोधपुर में, तो भैया आप सब जानते हो यहाँ का जितना विकास पिछले 40-45 साल में हुआ है आप सभी को मालूम है, कहने की आवश्यकता नहीं। और यहाँ पर